गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ टिप्स के एपिसोड नंबर 18 में। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को खुले में शौच करने से रोकना है। सिंगापुर के रहने वाले जैक सिम ने 19 नवंबर 2001 को वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, जिसके बाद वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र संगठन ने इसे ऑफिशियल तौर पर मनाने की घोषणा की। आप भी दिन में कई बार टॉयलेट तो जाते होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दिन में कितनी बार टॉयलेट जाना चाहिए? अगर आप जरूरत से ज्यादा या कम टॉयलेट जाते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा या कम बार टॉयलेट जाना भी एक तरह से आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसे में हमारे दिमाग में सवाल उठता ही है कि दिन में कितनी बार टॉयलेट जाना आम बात होती है। तो आज का ये जो एपिसोड है, इसमें हम आपको इस बात का जवाब देने वाले हैं। आइए बताते हैं इस बात का जवाब। टॉयलेट मुख्य रूप से दो कामों के लिए जाया जाता है, पहला मल त्यागने के लिए और दूसरा पेशाब के लिए। अगर बात पेशाब की करें तो टॉयलेट जाना इस बात पर निर्भर करता है कि आप दिन भर में कितना पेय पदार्थ लेते हैं। टॉयलेट आना ड्रिंक के साथ साथ बॉडी साइज, एक्सरसाइज, हाइड्रेशन लेवल, दिन भर के एक्टिविटीज और आपकी मेडिकल कंडीशन, यानी कि आपकी बीमारी, प्रेगनेंसी, आपकी डायबिटीज, इस तरह की बातों पर निर्भर करता है। बात अगर एक बहुत ही हेल्दी इंसान की जाए, स्वस्थ व्यक्ति की जाए, तो एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में 6 से 8 बार टॉयलेट जाना चाहिए। एक वयस्क आदमी हर 2 से 2.5 घंटे में टॉयलेट जाता है, यानी कि 24 घंटे में 6 से 9 बार पेशाब के लिए टॉयलेट जाना बहुत ही आम बात होती है। इसलिए पूरे दिन में इतनी बार टॉयलेट जाना चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए इससे ज्यादा की, तो अगर आप इससे ज्यादा या कम बार टॉयलेट जाते हैं तो इस बात को आपको ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात हो सकती है, क्योंकि ज्यादा टॉयलेट जाने के लिए आपको अधिक पानी पीना चाहिए। और इसके साथ ही अगर बात की जाए मल त्यागने की, तो इसके लिए एक स्वस्थ व्यक्ति यानी कि हेल्दी व्यक्ति 24 घंटे में एक बार टॉयलेट जाता है। हालांकि कुछ लोग दिन में 2 बार भी मल त्यागने के लिए टॉयलेट जाते हैं, जो कि बहुत ही आम बात है। लेकिन अगर इससे ज्यादा बार अगर आप टॉयलेट जाते हैं तो ये भी आपके लिए विचारणीय हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि आपके शरीर के लिए दिन में कितनी बार खाना खाना फायदेमंद है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मिलने वाली जो जानकारी है वो आप सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे, बल्कि अपने आस पड़ोस के लोग, अपने दोस्तों के साथ जरूर इस जानकारी को आप साझा करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल फिर हाजिर होंगे इसी समय रात के 8 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।